अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट। टुडे वी विल लर्न अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सटेंड द नंबर पैटर्न। ओके, ठीक है, बाय। ओके, एम आई ऑडिबल एवरीवन? यस, यू कैन हियर मी। एक्सटेंड द फॉलोइंग पैटर्न, एक्सटेंड द नंबर पैटर्न। व्हाट इज दिस नंबर? ओके, वी कैन सी दैट हियर 2 टाइम्स 4 इज रिटन, देन वी अगेन गो अहेड. When you plus this 4, you can get the number 8, which is written in 2 times. Okay? When you plus this 2, 8, you can get the number of 16. Okay? When you plus this 16, both the 16, okay, you can get the number here, you can write 32. Okay? What you write 16 plus 16, 32. Write the 32 twice, 32, plus this sign, okay, plus this sign, okay, 32 plus 32, you can get 64, write it 64 twice, okay, write 64 twice, fine. Now, come to the next question number 2, here you can see that 5 का डबल किया हुआ है, 10 को डबल किया, मतलब 10 प्लस किया तो 20 का डबल किया है तो 40 को डबल किया है तो 80, ठीक है। अब 80 को 80 प्लस करे, डबल करे तो 160 मिलेगा, ठीक है। अब 160 को 160 से डबल करो, प्लस करो तो 320 मिलेगा। ओके, फाइन। नाउ अब 320 को 320 से प्लस कर दो तो 046, तो 640 हो गया, ठीक है, समझ आया इतना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 1 लिखा 2, लिखा 3, लिखा 2, लिखा 4, लिखा है 4, लिखा है 8, लिखा है 12, ठीक है। तो अभी आप पैटर्न को समझेंगे। देखो 1 लिखा है, फिर 2 लिखा है, 2 के बाद 3, तो 3 के बाद जो पहला रिपीट क्वेश्चन है, नंबर है, उसी को 2 लिखा है, फिर 3 के बाद 4 आता है, ठीक है, फिर ठीक है 4 के बाद 6। अब ये देखो ये नंबर रिपीट हुआ, ठीक है। अब 6 के बाद 7 नहीं लिखा, 8 लिखा है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये नंबर रिपीट हो गया, 8 के बाद 12 लिखा है, 4 को प्लस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा, ठीक है। अब देखो 8 को 8 प्लस कर दोगे तो यहाँ पर 16 आएगा। समझ आया सभी को कि नहीं समझ आया? एवरीवन Now, get this question number 4, यहाँ 17 लिखा है, फिर 34 है। अब ये कैसा है देखो, समझो 17 को जब 17 से प्लस किया तो 34 आ जाएगा, ठीक है। अब 18 को 18 से प्लस कर दो, 36 आ जाएगा, बराबर। अब 19 को 19 से प्लस कर दो तो 99 प्लस 8 1 1 2 3, तो 38 लिख लिया, बराबर। अब 19 के बाद कौन सा नंबर आता है तो 20 आता है। अब 20 को 20 से प्लस कर लो तो 40 आएगा, तो इसके बाद 40 लिख। समझ आ रहा है सभी को? नाउ यहाँ पर देखो 6 है, 12 है, 22 है, 36 है, 54। अब ये पैटर्न समझो, पहले पैटर्न कैसा है, 6 को डबल किया 12 आ गया, बराबर। अब 12 है, 6 है, 12 है, 22 है, 36 है, ठीक है, 54 है। तब यहाँ पर आएगा
76 आएगा, 102 आएगा और 132 आएगा। समझ आया सभी को? नाउ अब यहाँ पर देखेंगे, अब 2 प्लस 2 4 होता है, देखो 2 का टेबल ए सॉरी 2 को 2 से प्लस कर दो, डबल कर दो तो 4 आएगा, 4 लिखा है। फिर 4 को 4 से प्लस कर दो तो 8 आएगा, तो 8 लिखा है। 8 को 8 से प्लस कर दो, इसको डबल कर दो तो देखो 16 लिखा है। 16 को 16 से डबल कर प्लस कर दो तो 32 लिखा है। अब 30 इसके बाद क्या आएगा, तो कुछ नंबर लिखा दिया था, इसके बाद 32 को 32 से प्लस कर लो तो देखो 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 3 6, 64 आया। अब 64 को 64 से प्लस कर लो तो 8 और 12 तो 128 आ गया। अब 128 को डबल कर दो, वही नंबर से प्लस कर लो तो 8 प्लस 8 16, 1 2 प्लस 2 1 ने 5 ने 2 256 आया, तो यहाँ पर लिख दो 256 बराबर। ठीक है, got it now, fill in the blank by selecting the correct alternative for the number pattern given below। ठीक है, fill in the blanks करेंगे, correct pattern लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, now question number 1 देखो, 26 लिखा है, 30 लिखा है, 34 लिखा है, 38 लिखा है, 42 लिखा है। अब यहाँ पर क्या समझ आ रहा है मुझे कि 26 और 30 के बीच का डिफरेंस है प्लस 4, तो 26 में प्लस 4 करेंगे तो 30 आएगा। अब 30 के अंदर प्लस 4 कर देंगे तो 34 आएगा, 34 के अंदर प्लस 4 कर देंगे तो 38 आएगा। ठीक है, इसमें प्लस 4 कर दे 38 आएगा, इसमें प्लस 4 कर दिए तो 42 आएगा, इसमें प्लस 4 कर दो तो 46, इसमें प्लस 4 कर दो तो 50। अभी ऑप्शन में देखो कौन सा है, तो ऑप्शन बी सही है। नाउ 49, 44, 39, 34, 29। अब यहाँ पर देखो, फोर्टी नाइन में से 49 में से 5 को माइनस कर दिया, माइनस 5 तो 44 आएगा, 44 में से माइनस 5 कर दिया तो 39 आएगा, ऐसे माइनस 5 कर दिया तो 34 आएगा, इसमें से माइनस 5 कर दिया तो 29 आएगा, इसमें से माइनस 5 कर दिया तो 24 आएगा, इसमें से माइनस 5 कर दिया तो 19 आएगा। ठीक है, तो देखो ये इसमें है ऑप्शन नहीं, ये है नहीं, ये है तो यस, तो कर दो ये बराबर। नाउ अरे ये 41, 51, 61, 71, 81। अब देखो इसके आगे का पैटर्न फॉलो करना है, तो देखो 41 को जब 10 प्लस कर दिया तो 51 आएगा, इसमें से प्लस 10 कर दिया तो 61 आएगा, इसमें से प्लस 10 कर दिया तो 81 आएगा। अब इसमें प्लस 10 कर दो तो देखो ये हो गया 1 और ये 9, तो 91 लिख लो यहाँ पर, इसमें प्लस 10 कर दो तो 101 आएगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है ये नहीं है, चलो ये देख लो तो ये ऑप्शन। ठीक है, अब ये देखो 94 है, 85 है, 976 है, 87 है सॉरी 67 है, 58 है। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे तो 94 में से 9 को माइनस कर दिया तो 85 आया। ठीक है, नाउ अब इसमें से माइनस 9 कर दिया तो 76 आया, इसमें से माइनस 9 कर दिया तो 67 आया, इसमें से माइनस 9 कर दिया तो 58 आया। ठीक है, और इसमें से माइनस 9 करूँगा तो कितना आएगा, 49 आएगा, तो देखो 49 कर दिया, इसमें से माइनस 9 कर दिया तो 40 आएगा। तो देखो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है वो नंबर तो नहीं है, बी में तो नहीं है, सी में तो देखो हाँ ये नंबर है तो सी को टिक कर दो। ठीक है, नाउ ठीक है 18, 25, 32, 39, 46। अब इसमें देखते हैं पैटर्न कौन सी दी हुई है, तो देखो 18 के अंदर प्लस 6 किया सॉरी प्लस
7 किया तो 25 आया, इसमें प्लस 7 कर दूँ तो देखो 25 प्लस 7 32 आएगा, इसमें प्लस 7 कर दिया तो 39 आएगा, इसमें प्लस 7 कर दिया तो 46 आएगा, और 46 में प्लस 7 कर दो देखो 7 तो 6 प्लस 7 33 1 और 1 प्लस 4 5 तो 53 देखो आ गया 53। अब इसमें प्लस 7 कर दो तो देखो 60 आएगा, तो देखो ऑप्शन डी देखो ऑप्शन डी में है 53 तो 61 है तो रॉन्ग हो गया, 60 रॉन्ग है, 64 61 रॉन्ग है, तो 53 और 60 क्या है यही एक राइट ऑप्शन है। ठीक है नाउ 2 4 5 10 11 20 अब ये कैसे हो रहा है तो देखो 2 को 4 के साथ 2 को डबल किया तो 4 आया। ठीक है अब 4 के बाद 5 नंबर आता है, 5 को डबल किया तो 10 आया, 10 के बाद एक नंबर आता है 11, 11 को डबल किया तो 22 आया, अब 22 के बाद नंबर कौन सा आता है तो 23। ठीक है 23 नंबर आता है, अब इसको डबल करूँगा तो 46 आया, बराबर। देखो समझ आया सभी को, ओ मेरे प्यारे बच्चों समझ आया सभी को। चलो तो देखो ऑप्शन देखो, इसमें है ऑप्शन नहीं, ये है ऑप्शन तो नहीं, ये है ऑप्शन तो नहीं, ऑप्शन कौन सा बचा है 23 46, तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 8 एक्सटेंड द पैटर्न। यहाँ पर देखो आपने करना क्या है, ठीक है सबको समझ लेना है एक बार किस तरह करोगे। देखो 11 A 12 B 13 C 14 D, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नंबरिंग भी लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 11 12 13 14, ठीक है, और ABCD भी लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसी तरह आप पैटर्न को फॉलो करेंगे, 14 के बाद आता है 15 और D के बाद आता है E, ठीक है, फिर इसी तरह आप पैटर्न फॉलो करेंगे, 15 के बाद आता है 16, D के बाद आता है F, ठीक है लिख लो F, 16 के बाद आता है 17, F के बाद आता है G, तो इधर लिख लेंगे आप 17 G, करेक्ट एवरीवन। नाउ यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर 2 32 A 34 B 36 C 38 D, अब हियर वी कैन सी दैट 32 के अंदर 2 प्लस किया तो 34 आया, when you plus 2 in 34 you can get the 36 and in 36 like you will plus 2 then you will get 38, okay, and then come to the first one also, A ke baad aaya increase order mein B C D, so 38 ke andar jab 2 plus kiya to 40 aayega aur D ke baad aata hai E, 40 ke andar plus 2 kar diya to 42 aur E ke baad aata hai F, 42 को जब 2 से प्लस कर दिया तो 44 और F के बाद आता है G, ठीक है नाउ अब ये देखो 1 के बाद एक नंबर को 2 को छोड़ दिया 3 लिखा है, 4 को छोड़ दिया 5 लिखा है, 6 को छोड़ दिया 7 लिखा है, 8 को छोड़ दो क्या लिखो 9 लिख दो, बराबर। अब यहाँ पर A डबल लिखा है, A 2 टाइम लिखा है, B 2 टाइम लिखा हुआ है, C 2 टाइम्स लिखा हुआ है, D 2 टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है अब D के बाद आता है E, तो 9 डबल E, ठीक है अब 10 को छोड़ दो 11 लिख लो, E के बाद आता है F, तो F को डबल लिख लो, अब 11 के बाद आता है 12, तो 12 को छोड़ दो 13 लिख लो, F के बाद आता है G, तो G को दो बार लिख लो, ठीक है समझ आया बच्चों। ओ मेरे प्यारे बच्चों एवरीवन गॉट इट, ओके फाइन। अब 26 आई 25 H, ये देखो ये नंबर है 25 के पहले 26, ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है आई H G F डिक्रीजिंग है, 23 के पहले क्या आता है 22, F के पहले आता है E, ठीक
ठीक है, 22 के पहले 21, टी के पहले आता है डी, 21 के पहले आता है 20, डी के पहले आता है सी, ठीक है। नाउ 15 पी पी, 15 क्यू क्यू, 14 आर आर, 13 एस एस। तो देखो ये नंबर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड अल्फाबेट आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, फाइन। तो 16 के पहले फिर से, चलो 13 के पहले क्या आएगा 12, और एस के बाद क्या आता है टी, तो डबल टी लिख लिया, ठीक है। नाउ 12 के पहले क्या आता है 11, अब टी के बाद क्या आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो टी यू डबल यू लिख लिया। चलो 10 के पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर है, तो नंबर के 11 के पहले आता है 10, और वी यू के बाद आता है वी, तो डबल वी लिख लिया। समझ आया सभी को? देखो ये 5 हो गया, अब 5 आपको होमवर्क करना है, ठीक है।